Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Assalamu alaikum, namaskar. BK News में आपका स्वागत है. मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं BK News. CMC की लापरवाही से इंदिरा कैंटीन में छा गया अंधेरा. बसो कल्याण सिटी के वार्ड नंबर 18 नारायणपुर क्रॉस पर मौजूद इंदिरा कैंटीन में पिछले 15 दिन से नहीं है लाइट, जिससे शाम का खाना नहीं मिल रहा लोगों को. सीएमसी की लापरवाही से नहीं भरा गया लाइट बिल, जिससे इंदिरा कैंटीन में नहीं है 15 दिन से लाइट. ये इंदिरा कैंटीन उन लोगों के लिए बनाई गई है जो गरीब कम पैसों में खाना खा सके. यहाँ डेली 1000 से 1200 लोगों के लिए खाना बनाया जाता है, जो सुबह नाश्ता, लंच और रात का खाना मिलता है. लेकिन सीएमसी की लापरवाही से लोगों को रात का खाना नहीं मिल रहा, क्योंकि इंदिरा कैंटीन में लाइट ना होने के कारण रात में अंधेरे की वजह से लोगों को लग रहा है कि कैंटीन बंद है, जिसके चलते कैंटीन में भी सिर्फ 25 से 50 लोगों के लिए ही खाना बनाया जा रहा है. कैंटीन के मैनेजर का कहना है कि इंदिरा कैंटीन के 2 साल हो चुके हैं. इसके रिन्यूअल के लिए सीएमसी के जेई फहीमुद्दीन को फाइल दी गई, लेकिन फहीमुद्दीन ने उस फाइल को कमिश्नर को दिया, लेकिन वो फाइल लैप्स हो गई. इसके कारण केएबी डिपार्टमेंट ने कैंटीन की लाइट काट दी, जिसकी वजह से एआरके गिरी सिल्क एंड सारी राज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस कैंटीन में पिछले 15 दिनों से अंधेरा छा गया. लाइट कब से बंद है? बंद है क्यों, किस वजह से बंद है? सर इसका 2 ईयर्स हो गया था सर, 2 ईयर्स होने के बाद रिन्यूअल के लिए फाइल दिए थे सर, फिर फाइन साहब को फाइल दिए थे, उन्होंने कमिश्नर साहब को सिग्नेचर किए, एक बार फाइल लैप्स हो गया सर, फाइल लैप्स होने के बाद और रिन्यूअल करके और सीएमसी ऑफिस में दिया है. मेरे को कल या परसों के दिन चेक दिए थे, डीडी का चेक दिए थे, मैं वहाँ जाके केबी ऑफिस में दे दिया था. अभी वहाँ पर मैं पूछा सर लाइट कब डालते, बोले तो जब तक तुम्हारा रिन्यूअल नहीं हो जाता तब तक आपको लाइट नहीं दिया जाएगा, बोल के बोलिए सर. मेरे तो आपका रिन्यूअल भी नहीं हो और लेकिन आप वहाँ पर डीडी भर चुके हैं? हाँ, भर चुके बोले तो अभी वो फाइल लैप्स हो गया ना, अभी दूसरा फाइल रेडी करने के बाद वो डीडी उधर उधर जाएगा सर, वो अभी तो चेक दिए तो भी नहीं हो गया सर. एक्स MLA मल्लिकार्जुन खोबा ने किया इंदिरा कैंटीन का दौरा. लाइट ना होने पर सीएमसी कमिश्नर शिवकुमार और जेस्कम ऑफिसर से की बात. एक्स MLA ने इंदिरा कैंटीन के आसपास मौजूद गंदगी पर भी उठाई आवाज, कहा सीएमसी की ऑफिस बाजू में होने के बावजूद भी कैंटीन के आसपास मौजूद है गंदगी, और कहा कि बसो कल्याण MLA, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर का हर रोज होता है इसी रास्ते से गुजरना, क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा ये अंधेरा और गंदगी? आपको क्या लगता है, जबकि सीएमसी बाजू में है, उसके बाजू में जो है इंदिरा कैंटीन है और यहाँ पर गंदगी, जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी है, साफ करने के लिए भी नहीं आ रहे और पिछले 15 दिन से जो लाइट बंद है और इनका कहना है कि DD भरे, लेकिन एक सिंपल है, भागना था म्युनिसिपैलिटी वाले पैसे जस्काम को, अभी भागे बोल के कमिश्नर साहब मेरे को बता दे, कल इसको देख के करंट देने का प्रयास करते, और बाजू में CMC बिल्डिंग है, ये तो सबको MLA यहाँ से जाते हैं, उलसुल जाना है तो यहाँ से जाते हैं, और तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर और यहाँ के कॉरपोरेटर सभी यहाँ से देखते, उनको नहीं दिखता है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है. उन्होंने भी इंसानी हैं, हम भी इंसानी हैं, और यहाँ घूमते भी इंसानी, शैतान तो नहीं घूम रहे, लेकिन इंसानियत के हिसाब से ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡ್ತಾರ, ಅವರು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು. CMC ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, CMC ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಚಗ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ದುಃಖ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿ ಇತನಾ ಬತಾತೆ ಹೋಗೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಗೆ ಮೇ, ಲೇಕಿನ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೇ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮೇ ಕರೆಂಟ್ ನೀ ಹೇ, ದೋನು ಸರ್ಕಾರ ಉಂಕಿ ಹೇ, ಅಗೇ ಯೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡಾಲೋ ನಾ ಬತಾವೋ ಯೇ ಕರೆಂಟ್ ನೀ ಹೇ ಬೋಲ್ ಕೆ ಪಾ ಪೈಸಾ ನೀ ಇತನಾ ಬಡಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕರ್ ಲೇತೆ, और आज देख रहे हैं, देखो कैसा हालत है बसवा कल्याण में. आज ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा है, सॉरी MLC का चुनाव चल रहा है, चुनाव में बिजी हैं, लेकिन गरीब का जब तकलीफ आता है, जो गरीब लोग रोज 1000-1200 लोग यहाँ आके इंदिरा कैंटीन का फायदा लेते, उनके बारे में कोई चिंता नहीं करे, तो मेरे को दुख होता है. मैं इसलिए आके इंदिरा कैंटीन में आज मैंने अभी उनका नाश्ता भी किया, अच्छा नाश्ता था, और कल तक इनका काम अटेंड करने के लिए मैं आयुष हूँ, मैं अटेंड करूँ. हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए.